हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज के व्लॉग में आप लोग सब लोगों का स्वागत है भाई। कुछ अच्छे अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं आपको इस व्लॉग में, पर उससे पहले सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 80K करो जल्दी, तो फिर हम लाइव आते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में क्या अपडेट होगा भाई, ये दोनों दिखे कहाँ गई वो हेला भाई, ये बांदरी सी, ये पूरे टोर में चलती है और थोर अभी खाना खा के सोएगा। ये मेरे बच्चा सुबह सुबह का टाइम, बस वीडियो भी पब्लिश करी थी मैंने, तो क्या अपडेट होगा। भागी भागी क्या अपडेट है भाई, अपडेट है ये कि जैसे कि हमारा, मैं रहता हूँ हिसार में, हिसार हरियाणा के, मतलब उस बॉर्डर पे है, डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के भी लगता है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ना टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि 40 प्लस ही चलता है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है और नॉर्मल है यहाँ पे। तो उसके लिए भाई हमने क्या सोचा, ये देखिए। तो भाई फिर अब बात आती है फिश रूम की। फिश रूम मुझे बनाना है। अब भाई मेरे को यूं काम नहीं करना कि कह के व्यूज ले लिए, फिश रूम मेरा शौक है और जितना ये चैनल चल रहा है मेरे शौक के दम पे चल रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि थोर भी मैंने शौक पे लिया था, अब हैला कहीं फिर भाग गई, मेरे पैर पे हाथ मार के भाग गई, कहाँ गई वो, देख ये भी शौक के लिए ही ले लिए क्योंकि मुझे पसंद है ये चीजें। और ऐसे ही मेरा सबसे पुराना शौक है फिश, जैसे तेजस है। तेजस सच बताइयो, कब से जानता है तू मेरे को, ये मेरी मतलब सबसे पहला पेट तुझे क्या पता है मेरा, फिश ओस्कर, ओस्कर नाम था ना उसका, ओस्कर एक ओस्कर फिश, जिनको नॉलेज है ना फिश की, वो ओस्कर एक सिकलेट स्पीशीज की फिश होती है, ओस्कर बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी सी लाया था और मेरे हाथ के मतलब यहाँ तक इतनी बड़ी हो गई थी वो, है ना, व्हाइट कलर की। और बहुत सारे मैंने बहुत फिश रखी है, मैंने एक छोटा सा फिश रूम भी बनाया था, और नीचे सबसे आगे स्टोर है ना उसमें बनाया था, जब उसमें कोई चीजें नहीं थी, तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई अब बात आती है फिश रूम की। सारी चीज सोच समझ के गया कि भाई ऊपर हम फिश नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रख दी तो उनकी केयर नहीं हो पाएगी इतनी। तो इसका मतलब ये नहीं फिश रूम नहीं बनेगा, फिश रूम बनेगा और बेस्ट बनेगा, उससे लाख गुना अच्छा बनेगा। क्या फिश रूम बनेगा, ये जो जगह है, ये जैसे मेरा, आप सबको पता है कि ये मेरा फ्लोर है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, और ये ऐसे आप कह सकते हो, ये मतलब एक हॉल की तरह रूम है ये वाला, बड़े वाला, यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये। इस फ्लोर पे मतलब हमारे को इस किचन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये जो किचन है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ, सोच नहीं रहा, ये कन्फर्म हो गया है कि इसको हम फिश रूम बनाएंगे। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं रखा, और ये व्हाइट कलर का इस मार्बल है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मार्बल नहीं, ग्रेनाइट है शायद, ये पता नहीं क्या होता है ये जो रसोई में लगता है। ये मटका हट जाएगा, ये तो नीचे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो ये पूरी स्पेस खाली है फिश रूम के लिए। तो अब बताओ ये अच्छा है या ऊपर अच्छा था, बता तेजस। ये ज्यादा अच्छा है, क्यों, ऊपर केयर नहीं हो पाएगी, यहाँ केयर अच्छी होगी। दूसरा यार, ये जो व्हाइट व्हाइट जो सीनरी सी है पीछे, मतलब बहुत अच्छा माहौल बनेगा, है ना। और दूसरा यहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है तो उससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो हमने ये सोचा है, आज तेजस को भी शौक है, जैसे तेजस को भी आज एक्वेरियम दिलाएंगे हम, पहली मतलब इसका पहला ही पेट होगा तेरा, पहला है ना, पहला एक्वेरियम, तो तेजस को भी दिलाऊंगा पहला एक्वेरियम। और पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं दो एक्वेरियम ले आऊं, जिसमें मेल जो होंगे ना, जैसे पीछे आपने अपना पॉन्ड तो देखा हुआ है, उसमें मैं सोच रहा हूँ उसमें सिर्फ मेल छोड़ दूं, क्योंकि अब उनको अलग करना पड़ेगा, नहीं वो इतने बच्चे कर देंगे और वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, ठीक है। उनमें से ब्लैक वाले मौली के बच्चे तेजस भी लेके जाएगा, इसको पसंद है वो, पापा ने कहता ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको देख के रूह खुश हो जाए। तो पापा जी 2 दिन लगेंगे उसे बढ़ने में, तब तक ढांचा बनने में, और जब तक ATK भी हो जाएंगे, और इतनी बढ़िया चीज बनेगी। इससे पूछो कैसा लगा था, बिल्कुल बढ़िया, बताइए मत क्या बनना है, पर ये बता कि कैसी चीज है, देखने में एकदम ही बढ़िया, मतलब अलग चीज है। पापा आप भी कहोगे कि वाह बेटे वाह, यूनिक है, मतलब कोई सिंपल एक्वेरियम नहीं है, ये तो हिंट दे दिया मैंने कि एक्वेरियम तो है पर सिंपल नहीं है, उसमें कई सारी लेयर्स है, समझ जाओ। हेलो, टेस्ट आज भी बेटी का फिर टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट देगी आज बेटी, तैयारी कर ली तुमने टेस्ट की,
आज हेला का फाइनल टेस्ट होगा मम्मी, इसको दही और चीनी खवा दो, दही से क्या रखा मैंने। और अब इसके बाद से फिर थोर की नर्सरी का टेस्ट होगा मम्मी, नर्सरी पास कराने भाई, देख ले गया कागज, ओए एडमिशन का कागज ले लिया? नहीं नहीं, हमारी मेरिट, हमारी मेरिट लिस्ट वाले बच्चे का नाम ले गया था ये, फाइल में लगाओ भाई इसे, फाइल में तेरे पे रिकॉर्ड होना चाहिए सारा चाहो। कभी भी कोई भी पेरेंट्स मांग सकता है। हाँ। और क्या? और हेला देखो, टीचर के जो भी हेला का आज आखिरी टेस्ट है, इसमें पता चलेगा ये पास हो या नहीं हुई। दूसरी बात, कल से थोर के मानू नर्सरी के पेपर कराओ मैडम, हमारे बच्चे को हम फर्स्ट में देखना चाहते हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं, हमारी भी उम्मीदें हमारे बच्चे से कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, है ना भाई, कुछ डॉक्टर डॉक्टर बने, है ना भाई। लो मानू के स्कूल में नया एडमिशन आया है, ठीक है, ये हमारी बजीज है, इसका नाम क्या रखना है ये बताओ, ये तेजस की है, ये एवीआर बनाएंगे बहुत बड़ी, ये उकलाना रहता है तो उसके लिए दो लेके आए ये, तो इसको ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं, इसको ले जाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने लाया था बस ये। अब ये बताओ इसका नाम क्या रखना है और इसको कौन सी क्लास में डालना है, और थोर कह रहे हैं मैं चलो इसको कौन सी क्लास में डाल ले ये बताना, इसका नाम क्या रखना है ये बताना, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, अब हेला का टेस्ट होएगा, थर्ड टेस्ट जैसे कि आपने बताया था, और हमारे स्कूल में मानू के स्कूल में जो एडमिशन है नए उनके नाम भी अब लिस्ट आउट होएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है। हाँ भाई क्या टेस्ट है मैडम जी? थर्ड टेस्ट है कि हमारे पीटी सर भी है हमारे स्कूल में, तो हम बच्चों का गेम्स की एबिलिटी भी चेक करेंगे, तो हमारे पास ये है, अब हम हेला के आगे रखेंगे। हेलो, अगर ये हेला इस बॉल को पकड़ती है तो ये पास हो जाएगी। हेला मैं देखो actually, देख तो रही है ये बहुत ज्यादा तक, इसके मूड पे भी डिपेंड करता है। और क्या लगा है? और दो चांसेस देंगे, क्या लग रहा है पास हो जाएगी? हेला आज नहीं अबे और अंदर निकल, थोर लग रहा है क्या? हेला आज नहीं कर पाई तो हेला कल जरूर करेगी। थोर क्या लग रहा है पास हो जाएगी क्या? तेरी जिसी है या मन तो लगा है, प्री नर्सरी में फेल हो गई है। ओ पास हो गई थोर, पास हो गई, ये तेरी पास हो गई, अरे पास होगी, पास होगी, आजा थोरू, आजा थोरू, किसी को मारना नहीं था, आजा थोरू, आजा इधर, आजा आजा इधर, आजा थोरू, आजा, मारना नहीं था बेटे, पास होगी, चुपचाप आ जाओ, पीटी टीचर अब पीटने वाली हरकत हो रही है आपकी, स्टूडेंट भी पास की, ये तो थोर भाई साहब थोड़ा सा थोर, एक्चुअली मैं कैमरा सीधा कर लू थोर भाई, एक बार थोर डरा नहीं, थोर के यूं हो गया भाई कि क्या हो गया थोर, ये जैसे ये तेजस और ये नए बंदे आए तो थोर ने सोचा ये तो सारे अपने भाई, ये दो अलग थोर पड़ गया इसके पीछे, तेजस के पीटी टीचर के पीछे, अरे भाई परी के तो बोल रहा बहु पूरी बात की, एक्चुअली इसका स्लीपिंग पीरियड है। तो वैसे एक बार और हेला तू एक बार और कर बेटी, ले हेलो, तो ऐसी बच्ची है और स्कूल काल बाज गया आधी छुट्टी में, ओए बढ़िया, आप हेला इधर बैठो यूं, बढ़िया कैमरा आ रहा है ना, एंगल एंगल बढ़िया आना चाहिए हेला, हां थोड़ी ठीक है, तू बैठ जा भाई, तेरे तो बात करने भी पड़ी है, इतना एग्रेसिव हो गया, हम इसको देख के हाथ रे से कर दिया, इसको लगा कुछ गलत चीज होगी। तो हेला का टेस्ट चल रहा है, हेला पकड़ ले, थोर को देख रही, ओ मैडम जी तीनों पकड़नी पड़ेगी, ये तो फिर थोड़ा टेस्ट मुश्किल होना चाहिए ना, थर्ड लेवल है, चलो एक तो दो पकड़ गई, तीन से पकड़ गई, दो पकड़ ली, पर्पल नहीं आई भाई इसकी, पर्पल नहीं आई, आप मैडम मेरिट लिस्ट निकाले पहली, तो आज नौ बच्चे, नौ बच्चे मुबारक हो भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आ गया ताली के नाम से ये आता हूँ, एंजल जनवर शेफर्ड, 5 मंथ की एज, मुबारक हो, फर्स्ट स्टूडेंट, तू भी पिटा, हाँ चलो आगे, तालियां भाई, तालियां आप खुद बजा लेना, तालियां बजाएंगे थोर को, सब कुछ और लगेगा तो वो पहुंचेगा हमारे पास, एक्चुअली आपने ऐसे कैमरा घुमाया ना पीछे से हेला भाग के गई थी। आप सेकंड बताएं, सेकंड कोको इंडियन स्पिट्स, 2 ईयर 4 मंथ, और भाई जिन जिन का पता चल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन बता, बेला एंड स्नोई, ये दोनों रैबिट है 2 मंथ की एज की, ठीक है मैडम, नवाब, नवाब लैब्राडोर, एज 10 months,
बेला पर्शियन कैट ठीक है, एज 3 मंथ्स, पांडा सांगवान एज 10 मंथ्स, ब्राउनी जन्मशाह एज 8 इयर्स, सॉरी गाइस, कोपर पाकिस्तानी बोली जिसको इसने कुकर बोला था अच्छा आगे एज मंथ 5 मंथ ठीक है, ये बच्चे सेलेक्ट हो गए, लकी ड्रॉ में इनका नाम, एक बार ये पर्ची और दिखा दीजिए। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट का प्ले स्टेशन शुरू, ये आगे बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से बच्चे आए हैं ठीक है। हाँ क्या कर दिया है, ओ अरे यू भाई साहब देख भाई ये है ना वो फ्रूट है, वो थोर फ्रूट है वो, वो ले लिया, वो ले लिया, हमने ले लिया, इसको हेला ने दिया है, खरबूजा ले लिया। अच्छा इसने हेला ने दिया, इसको हेला ने दिया इसको भी राजस्थान में थी भाई। आप हमारे घर में देख रहे हो ना क्या और लग रहा है, मुझे लग रहा है गब्बर उठने वाला, गब्बर उठने वाला, गब्बर तो सो गया पर उठने वाला, गब्बर ठोके हमारे ऐसे समझ नहीं आया हमें। ये देखिए इसने ठा के दिया उसको, यहाँ रखा था इसने गिरा के, ये खुद ला के खेल कर रहा, वो इसका खेल में लग गया इसका, ये डबल टोकरी बैठी मैडम है। हेलो बेटे ऐसे ना करा कर। और हाँ इतना सुंदर एक्वेरियम बन रहा है ना, आप लोग कहोगे भाई पगाल भाई इतना हद पार कर दिया, और सच्चाई है। हाँ ऊपर आप ग्रीन रूम ही बनाएंगे क्योंकि यार ऊपर गर्मी हद से ज्यादा है, और गर्मी में भाई अगर किसी भी एक भी मछली मरती है ना तो यार दिल में बहुत दुख होएगा, और मुझे बता आप लोगों को भी होएगा। पर हमने इतना अच्छा बनाया है ना, अब एक्वेरियम का मैंने ऑर्डर दे दिया है, 2 दिन में बन के आ जाएगा। तो इसी के लिए वीडियो को अभी कभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर इस वीडियो में 1 टीके हो जाते हैं तो अगले वीडियो में लाइव आ जाएंगे, और नहीं होते तो जल्दी जल्दी करो। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, ओके बाय बाय।